Hello everyone, welcome to Achievers Camp. Let's see vocabulary words of 19th November. So the words we will discuss today are capricious, nebulous and wretched. अगर आपको पहले से किसी भी वर्ड का मतलब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. फर्स्ट वर्ड इज कैप्रीशियस. कैप्रीशियस एडजेक्टिव है, सब जानते ही हैं. गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर. इन अ सिंपल लैंग्वेज हम उसको कहते हैं मनमौजी, जो अपने मन की काम करता है. ठीक है, ऐसा इंसान जो अपने मूड और बिहेवियर के हिसाब से चलता है, मूड और बिहेवियर के हिसाब से फिक्र माइंडेड है, तुरंत तुरंत अपना मन बदलता है, आप उसको कैप्रीशियस पर्सन कहते हो. सेंटेंस देखते हैं. She was as capricious as her mother had been. वो उतनी ही मनमौजी थी जितनी उनकी मदर हुआ करती थी. Right? So I hope the word is clear to everyone. Moody आप कह सकते हो in a simple language. Now we will see the next word for today. Okay, next word is nebulous. Nebulous adjective है जिसका मतलब होता है having an often unintentionally veiled or uncertain meaning. जिसका मतलब है कि not clear, अस्पष्ट, है ना? कोई ऐसी चीज़ जो अनसर्टन है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही या इंटेंशनली ढकी हुई है, तो आप उसको नेब्यूलस कहते हो. राइट. नाउ विल हैव अ लुक एट अ सेंटेंस. आफ्टर द कार एक्सीडेंट हिज मेमोरीज वर क्वाइट नेब्यूलस. कार एक्सीडेंट के बाद जो मेमोरीज थी वो धीरे धीरे करके अनक्लियर हो गई, अनसर्टन हो गई, ढकी हुई रह गई. राइट. हम लोग इंटेंशनली किसी चीज़ को हाइड करके रख रहे हैं. सो आई होप द वर्ड इज क्लियर. नाउ विल सी द लास्ट वर्ड फॉर टुडे. लास्ट वर्ड इज रेच्ड. रेच्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट. ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नाखुश है किसी भी चीज़ से या अनफॉर्चुनेट है ना. आप हम हिंदी में कहते हैं ना मनहूस पर्सन. वैसे तो काफ़ी बुरा वर्ड है, आप कह सकते हो अनलकी पर्सन जो होता है उसको हम रेच्ड कहते हैं. सेंटेंस देखते हैं. द हाउस वॉज इन अ रेच्ड स्टेट. जो घर है वो बहुत ही अनलकी स्टेट में है. राइट. सो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू एवरीवन. किसी को किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नाउ विल सी द क्वेश्चन फॉर द डे. सो द क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ नेब्यूलस. अभी अभी हमने नेब्यूलस का मतलब पढ़ा ही था, तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे. ऑप्शंस है क्लियर, इनडेफिनेट, मिजरेबल एंड फिकल. अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वहीं पर आपको राइट आंसर बताएंगे. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.